वाले महत्वपूर्ण और परीक्षापयोगी प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 29, बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 के लिए किसे टाइटल प्रायोजक के रूप में चुना? सही उत्तर ड्रीम इलेवन। जी हां, ड्रीम इलेवन को बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 के लिए टाइटल प्रायोजक के रूप में चुना था। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 30वां, कौन सा राज्य 2021 खेलो इंडिया युवा खेलों की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य 2021 खेलो इंडिया युवा खेलों की मेजबानी करेगा? तो सही उत्तर हरियाणा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ये बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार जरूर याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 31वां, नवीनतम फीफा रैंकिंग, फीफा यानी फुटबॉल से संबंधित है, नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारत की वर्तमान रैंकिंग क्या है, किस नंबर पर है? तो सही उत्तर 108वीं रैंकिंग है भारत की। चलिए प्रश्न नंबर 32वां, प्रश्न है 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कौन सा, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित होगा? तो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में 2021 में इसका आयोजन किया जाना है। कई बार ऐसे भी पूछा गया है या पूछा जाता है कि वर्ष 2021 में किस खेल का आयोजन किया जाना है, तो 2021 में टोक्यो जापान में 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाना है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कौन सा, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहां किया जाना है? सही उत्तर पेरिस फ्रांस में किया जाना है, किस वर्ष 2024 में। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कौन सा, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहां किया जाना है, लॉस एंजिल्स, कहां पड़ता है, अमेरिका में, किस वर्ष किया जाना है, तो 2028 में। तो आपने देखा 32वां 2021 में, 33वां 2024 में और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में इसका आयोजन किया जाना है। तो ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसको जरूर एक बार याद कर ले। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 35, शीतकालीन ओलंपिक खेल कौन सा, 24वां यानी कि 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहां किया जाना है, तो इसका आयोजन बीजिंग चाइना में 2022 में किया जाना है। ठीक, तो कई बार ऐसे भी घुमा देता है प्रश्न, कैसे, बीजिंग चाइना 2022 में किस खेल का आयोजन किया जाना है, तो शीतकालीन ओलंपिक खेल कौन सा, 24वां। ठीक, प्रश्न नंबर 36 देखिएगा, 22वां राष्ट्रमंडल खेल कौन सा, 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में इसका आयोजन किया जाना है, कब, 2022 में, 2022 में 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाना है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था, 1930 में हुआ था, कहां पर हुआ था, कनाडा में हुआ था। यहां से और भी प्रश्न बन रहा है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा मिस्तार उर्द, मिस्तार उर्द किस खेल का शुभंकर है, तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर है। ठीक, प्रश्न नंबर 37, 19वां कौन सा, 19वां एशियाई खेल कौन सा, एशियाई खेल 19वां एशियाई खेल कहां पर होगा, ये होगा हांगझू, कहां पड़ता है, चाइना में पड़ता है, किस वर्ष होगा, 2022 में।
वर्ष 2022 में हांगझू चाइना में होगा कौन सा 19वां एशियाई खेल। ठीक, प्रश्न नंबर 38 देखिएगा। 20वां एशियाई खेल कौन सा, 20वां एशियाई खेल का आयोजन कहां किया जाना है? तो 20वां एशियाई खेल का आयोजन नगोया, नगोया कहां पड़ता है, जापान में। कौन से खेल का आयोजन होगा, 20वें एशियाई खेल का आयोजन नगोया जापान में 2026 में इस खेल का आयोजन किया जाना है। ठीक, तो ये भी याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 39, चौथा एशियन पैरा खेल कौन सा, चौथा एशियन पैरा खेल कहां पर आयोजित होगा? तो चौथा एशियन पैरा खेल हांगझू चाइना में 2022 में इस खेल का आयोजन किया जाना है। चलिए प्रश्न नंबर 40 देखिएगा। रग्बी विश्व कप कौन सा विश्व कप, रग्बी विश्व कप का आयोजन किया जाना है कहां पर, फ्रांस में, किस वर्ष 2023 में। तो रग्बी विश्व कप का आयोजन फ्रांस में वर्ष 2023 में किया जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 41 देखिएगा। महिला T20 वर्ल्ड कप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में भी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक समय पर एक ही चीज पढ़े। ठीक, महिला T20 वर्ल्ड कप, महिला T20 वर्ल्ड कप जीता, किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 42 देखिएगा। रणजी 2020 किसने जीता, तो रणजी 2020 किसने जीता था, सौराष्ट्र ने जीता। ठीक, ये थे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत यानी खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।